तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि इंडिका विस्टा क्वार्टर जेड की सर्विस और डीजल सेंसर कैसे साफ करते हैं। ये सबसे पहले हम इसका एयर उतार लेंगे, एयर फिल्टर, और फिर हम इसकी ये डाट खोलेंगे ऑयल की। इसके लिए स्पेशल टूल 5 LNK वाला लेना पड़ता है। चलिए हम अब डॉट खोलते हैं। ये देखिए इसका कलर कितना डर्टी हो चुका है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। फिर हम इसका ऑयल फिल्टर खोलेंगे। इसके लिए 27 क्या फुट का लेना होगा आपको, और इसकी टांगी लेनी होगी जिससे हम इसको खोलेंगे। तो इसलिए हम इसको खोलते हैं। हमने खोल लिया है, तो हम इसका ऑयल फिल्टर बाहर निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये भी कितना डर्टी हो चुका है। इसको भी हम चेंज करके ले लेंगे। हम इसका एयर फिल्टर खोलेंगे। इसके लिए हमें ये ऐसे खोलना होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके डीजल सेंसर ओपन करेंगे दोनों ही। इसके लिए हमें पैच का स्विच का लॉक हटाना होगा, जिससे कि कपड़ा बाहर निकल जाए। अगर आप ऐसे ही निकालोगे तो टूट जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे बाहर निकालते हैं इसको। फिर हम इसमें 30 की चाबी से इसको खोल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने खोल लिया है। आप देख सकते हैं कितना कचरा लगा हुआ है। दोनों सेंसर को अच्छे साफ करके लेंगे। ये इसका साफ करने का स्प्रे भी आता है, उससे साफ करेंगे। हमने साफ फ्रेंड हमने इस पेट्रोल से क्लीन करके ले लिए। हम इनको लगाते हैं। इसके लिए 27 की चाबी लेनी होगी आपको।
फ्रेंड्स हम इसकी लोकेशन ठीक करके ले लेंगे, जिससे कि एयर फिल्टर में ये ना टच हो। अब इसे एक चाबी लगा के हाथ से पकड़ के टाइट कर लेंगे। थोड़ा आगे चला गया फ्रेंड्स, ये आगे करके ले लेंगे इसको। ऐसे टाइट कर देंगे इसको और कपलर लगा देंगे। कपलर लगाते समय ध्यान रखें कि लॉक जरूर करें इसको, जिससे कि अपने आप बाहर ना निकले। ये हम दूसरे सेंसर का कपलर लगा देंगे, इसको भी ऐसे ही लगाना है जैसे उसका कपलर लगाया है फ्रेंड्स। अच्छे से देख के लगाना कपड़ा खराब ना हो, और ये खराब हुआ तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। हम इसका जहाँ पर ऑयल फिल्टर लगते लगता है वहाँ पर अच्छे से क्लीन कर देंगे, उसकी कैप को अच्छे से क्लीन कर देंगे। फ्रेंड्स ये लोकल और ओरिजिनल में कोई फ़र्क नहीं होता है, सब सेम ही आते हैं। बस फ्रेंड्स हम इसको फिल्टर को अच्छे से बिठा लेंगे। और फिर हम इसको कैप का रबर रिंग, ये पुराना रबर रिंग चेंज कर देंगे, इससे ताकि मोबाइल लीकेज ना हो। हमें पुराना रबर रिंग दया लगा रहे हैं, लगाते समय ध्यान रखें कि अच्छे से बैठ जाना चाहिए, वरना फेस में जाने से पहले ही कट जाता है फ्रेंड्स। अब इसको ऑयल, थोड़ा मोबाइल ऑयल लगा लें, जिससे कि अच्छे से लग जाए और ना कटे। चलिए हम इसको टाइट कर देते हैं। टाइट कर लिए, ज़्यादा भी टाइट मत करना वरना टूटने के चांसेस हो सकते हैं। सॉफ्ट वर्क ले लेने के बाद स्टार्ट होने के बाद पता चलेगा कि ऑयल लीकेज ना हो। अब हम फ्रेंड इसकी चैम्बर नट लगा लेंगे और इसको अच्छे टाइट कर देंगे। और इसमें ऑयल डाल, मतलब मेरे गाग सारे मिनट भगा दिए इन्होंने, अरे नु करे मेरे काम कर दे। फ्रेंड इसमें 3.5 लीटर ऑयल गिरता है।
ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके गैस से ऑयल चेक कर लेंगे कितना ऑयल है इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऑयल पूरा हो चुका है इसका ऑयल। हम इसको दोबारा वही वापस लगा देंगे और ऑयल डॉट जहाँ पर मैंने ऑयल गया था वो अच्छे से बंद कर देंगे।